हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल और सहजन का यूज़ करके एक यूनिक सी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल अलग सा टेस्ट रहता है। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप मसूर की दाल ली है, 1/4 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है, 1/4 कप चने की दाल और साथ ही हमने 1/4 कप अरहर की दाल ली है। थोड़ा सा हमने ये नारियल लिया है, यहाँ पर आपके पास सूखा नारियल हो तो सूखा नारियल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास हरा वाला नारियल हो तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास ग्रेटेड वाला नारियल हो यानी नारियल का बुरादा तो आप उसको भी ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इन दालों को इसी तरीके से लेकर के वॉश करके इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इन दालों को रात भर भिगो कर के लिया है। ये देखिए चारों दालें हमारी बहुत ही अच्छे से भीग चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इन दालों को बॉयल करेंगे। ये देखिए दालों को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, अब हम इनसे 4 गुना ज़्यादा पानी डाल देंगे। ये देखिए प्रेशर कुकर में हमने पानी डाल दिया है, अब हम अपनी दालों को बॉयल। ये देखिए प्रेशर कुकर में दाल को हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, अभी हम इनको थोड़ी देर के लिए ओपन ही पकाएंगे। इनके ऊपर एक झाग आएगा, उसको हम निकाल देंगे। यहाँ पर हमने दालों को भिगो करके लिया है, दालों को भिगो करके लेने से वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं, उसकी जो एसिडिक नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से दालें हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनती हैं। ये देखिए दाल के ऊपर बहुत ही अच्छे से झाग आ गया है, इस झाग को हम निकाल लेंगे। ये झाग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये आगे चलकर गठिया का कारण बनता है, इसलिए इसको हम निकाल देंगे। पुराने ज़माने में इसी तरीके से दाल हमारे घरों में बनाई जाती थी। ये देखिए दाल की सारी झाग हमने निकाल दी है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून ये सफ़ेद नमक। अब हम अपनी दाल को प्रेशर कुक कर लेंगे। ये देखिए कुकर को हमने अपने कवर कर दिया है, अब हम अपनी दाल को प्रेशर कुक होने देंगे। ये देखिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुकी है, अब हम सहजन की फलियों को बॉयल कर लेंगे। आप चाहें तो एक साथ डाल करके भी सहजन की फलियों को बॉयल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर दाल को अलग पकाया है और फलियों को हम अलग पकाएंगे, क्योंकि दाल का कुकिंग टाइम और फलियों का कुकिंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। फलियाँ हमारी बहुत ही जल्दी पक जाती हैं और दाल को पकने में टाइम लगता है। ये देखिए सहजन की फलियों को हमने अच्छे से वॉश करके ले लिया है, अब हम इनको कट करेंगे। इनको कट करने के लिए इनमें से एक फली लेंगे और सबसे पहले इनका एंड कट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से इनको हम पील करते जाएंगे और फटाफट से अपने मनचाहे पीसेस में हम इनको कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये मोटी वाली फलियाँ ली हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा पल्प होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं खाने में, इनमें मिठास भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर आपको ये मोटी वाली फलियाँ मिलें तो आप इनका यूज़ करिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनेगी आपकी। ये बहुत ही आसानी से कट जाता है, इस तरीके से कट लगाते जाएंगे और इसी तरीके से हम सारी फलियों को अपनी कट कर लेंगे। सहजन एक सुपर फूड होता है, इसमें दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है, क्योंकि इसमें गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, साथ ही इसमें पालक से भी 10 से 12 गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें विटामिन, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की बहुत ही अच्छी मात्रा रहती है, तो अपने खाने में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये देखिए इसी तरीके से हम सारी फलियों को कट कर लेंगे। ये देखिए सारी फलियों को हमने यहाँ पर कट करके ले लिया है, अब हम इनको बॉयल करेंगे। गैस के ऊपर हमने एक छोटी सी कढ़ाई रख दी है और उसमें हमने आधे ग्लास पानी डाल दिया है, इसमें हम बॉयल आने देंगे। ये देखिए पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहा है, अब जो हमने फलियाँ कट करके रखी थी उनको हम इसमें डाल देंगे।
अब हम इनको कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम इनको पका लेंगे। हम इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल 4 से 5 मिनट के लिए ही हम इनको इस तरीके से स्टीम करेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम फलियों को ओपन करते हैं। बीच में हमने इनको एक बार अब हम इन फलियों को चेक करके देखेंगे इस तरीके से। ये देखिए हाथों से आसानी से प्रेस हो रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब ये बॉयल हो चुकी हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम दाल के लिए तड़के की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमने ये 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं और साथ ही हमने ये 2 टेबल स्पून भर करके ये सूखा वाला नारियल लिया है। अगर आपके पास हरा नारियल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास ये ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से आपकी दाल में एक यूनिक सा टेस्ट आता है। साथ ही हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके ले लिए हैं इस तरीके से दाल में तड़का लगाने के लिए। 2 ये टमाटर लिए हैं, इनको भी हम कट करके ले लेंगे। गैस के ऊपर हमने अपनी कढ़ाई रख ली है जिसमें हमें तड़का तैयार करना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे और ज़ीरे के साथ ही हम यहाँ पर राई दाना भी इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ज़ीरा और राई दाना अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। अब हम इसमें ये जो हमने प्याज को कट करके रखा था इसको डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लें। जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है उतनी देर में हमने जो लहसुन के पीसेस लिए थे साथ ही जो ये नारियल लिया था सूखा वाला इसको हम एक साथ डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 स्पून हल्दी। ये देखिए प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ये 2 लाल मिर्च डाल देंगे। आप अपने घर में जो भी लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये वाली लाल मिर्च हो तो ज़रूर डालिएगा। इसको हमने बाद में डाला है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। अगर आप लंबी वाली मिर्च ले रहे हैं तो प्याज से पहले डाल दीजिएगा। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। हींग को हम बाद में डाल रहे हैं क्योंकि हींग को हम पहले डाल देते हैं तो इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कट करके इनको ले लिया है और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टमाटर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये करी पत्ते। हमने यहाँ पर 10 से 12 करी पत्ते लिए हैं, इनको भी हम इनके साथ ही डाल देंगे। और इसी के साथ हम ये 1 हरी मिर्च इस तरीके से बीच से कट करके डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिर्च को छोटा छोटा कट करके डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम मिर्च कट करके डालते हैं तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं उनके मुँह में मिर्च नहीं जाती है और हम इसको आसानी से निकाल करके अलग भी कर सकते हैं। साथ ही जब हम दाल की गार्निशिंग करते हैं तो उसमें भी ये हरे मिर्च ऊपर से पड़े हुए बड़े ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ही ले रहे हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। सारे मसाले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो हमने यहाँ पर नारियल और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ये पेस्ट है हमारा। अब हम इस पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। 2 टेबल स्पून पानी हमने जार में डाल करके ले लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि जार में जो भी ये मिक्सचर लगा हुआ है वो निकल आए। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों से। अब हम इसमें डाल देंगे ये हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, इसको भी हम मसालों के साथ इसी तरीके से मिक्स कर देंगे।
अब जो हमने सहजन की फलियां बॉयल करके ली थी उनको हम इसी तड़के में डाल, फलियों को हमने मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब इस तैयार तड़के में हम अपनी दाल डाल देंगे। ये देखिए दाल को हमने अपने तड़के में ऐड कर लिया है। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम गैस का फ्लेम ऑन रहने देंगे। अब इसके ऊपर 1/2 टीस्पून नमक हम और ऐड कर देंगे। दाल हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अपनी दाल को फटाफट से सर्व कर लेंगे। वाओ, ये देखिए हमने अपनी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी दाल को सर्व कर लिया है। इसको हम हरी धनिया से गार्निश करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। दाल की जान होता है घी, घी के बिना तो दाल अच्छी ही नहीं लगती है। इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को। मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी तरीके का हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।